तो वेलकम टू आर टू एक्स, तो आपको मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐप अपडेट दूंगा जो रेड रूट नोटिफिकेशन को फिक्स करता है। और उससे पहले मैं सीरज से एक और अश्विन गौरव को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मेरे इस काम के लिए डोनेट किया और मेरे इस काम को अप्रिसिएट किया। और आपको भी अगर मेरा काम पसंद है तो आप भी मेरी यूपीआई एड्रेस पर डोनेट कर सकते हो। ये रहा मेरा यूपीआई एड्रेस। और अगर आपसे डोनेट नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए हम वीडियो की तरफ रुख करते हैं अपने। अगर आप रूट करते हैं या चेंजेस करते हैं अपने कलर 6 या 5 में, तो आपको एक रूट वार्निंग देखने को मिल जाती है जो आसानी से आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी है जिसकी मदद से आप उस रूट वार्निंग को हटा पाओगे। तो तरीका बहुत आसान है, बस आपको वीडियो फॉलो करते जाना है और आपका रेड ब्लिंकिंग रिमूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको अपने फ़ोन को चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन माजिक से रूटेड है या नहीं, जैसे मॉड्यूल्स सपोर्ट हो रहे कि नहीं पूरे, तो ये आप थोड़ा पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका ये आपके पास माजिक्स ना हो तो मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्लेस कर लेना है। और साथ में आपको एक जिप डाउनलोड कर लेनी है जहाँ आपको ये सारे सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको आपको 1 बाय 1 इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इसको आपको मेथड बता देता हूँ। उसको पहले कौन सा वाला आपको करना है, पहले आपको करना है एट एक्सपोज इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो एक्सपोज में फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेगी। तो इसको आप इंस्टॉल कर ले पहले, फिर इसको कर लेना है इसको आपको डन। फिर आपको सेकेंड उस पर आना है, जो सेकेंड जो फाइल है वो होगी अपनी माजिक्स से इंस्टॉल। तो आपको माजिक्स में चले जाना है और माजिक्स में जाके इंटर कर देना है। और फिर वहाँ जाना है आपको उसके मेन्यू पे, और यहाँ से मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। और जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। और यहाँ से आपको अपनी इंटरनल है पहले शो कर देना है ताकि आप इंटरनल जा सको। तो जहाँ भी आपने कॉपी किया हो वहाँ आपको कॉपी कर देना ताकि आप वहाँ पहुँच सको। मैंने यहाँ पर कॉपी किया था तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो पहले आप मैं करूँगा रिरू कोर को इंस्टॉल। तो ये डन हो चुका है, अभी मैं रिबूट नहीं करूँगा, क्लोज कर दूंगा इसको। अब इसके बाद में जो सेकंड फ्रेमवर्क रहता है उसको भी इंस्टॉल करूँगा। तो जो प्लस वाला आइकॉन है उस पर क्लिक करूँगा। और जो थर्ड जो लिखा हुआ है माजिक्स करके एड एक्सपोस्ट का, तो वो आपको इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉल होगा, अब रिबूट करना है मुझे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये डन लिखा हुआ आ रहा है, तो दोनों में आप चेक कर लेना कि आपका डन लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। और फिर उसके बाद आपको कर देना एक बार रिबूट। फिर उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है अपने फ़ोन को बूट होने का, और फिर इसको कर देना है अनलॉक। और फिर आपको जाना मेन्यू में अपने ऐप ड्रॉअर में, और यहाँ से आपको फिर करना है क्लिक एड एक्सपोस्ट पे, ताकि आपको ये पता चले कि आपका इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। तो जी ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में एक R2X2 जो एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है। ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया था, बस वही फोल्डर में आपको लोकेट करके इंटर कर जाना है। तो ये लास्ट में दिख रही है 4 नंबर की, इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा इंतज़ार करना है और फिर डन पे क्लिक करना है। और फिर आपको आना है अपने ऐड एक्सपोस्ट पे वापस, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके मेन्यू पे क्लिक करना है और मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे टिक करके मेरे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा और आपका ये रेड ब्लिंक नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस रिबूट कर देना है अपने फ़ोन को। तो यहीं से मैं रिबूट कर दूंगा, फ्रेमवर्क में जाऊंगा और इसके मेन्यू पे क्लिक करूंगा, रिबूट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यस पे क्लिक करूंगा। और फिर जो मुझे परमिशन ग्रांट करने के लिए बोलेगा सुपर यूज़र की, तो मैं ग्रांट कर दूंगा, तो ये फ़ोन मेरा हो जाएगा रिबूट। इसके बाद क्या होगा, जो मेरा जो रेड नोटिफिकेशन जो आता था तो वो फिक्स हो जाएगा और फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। जितनी उसकी वार्निंग रहती है सारी वो हट जाएगी। और इस एप्लीकेशन में आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मल्टी एप्लीकेशन जो रहती है क्लोन ऐप के लिए, वो आप सारी अलाउ कर सकते हैं। मतलब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप इनेबल कर सकते हो। तो आप देख लेना, जो आपको पसंद अच्छा लगे तो मुझे बताना, और जो काम नहीं कर रहे तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर करना मेरे थ्रेड पे जो मैं बनाऊँगा, ठीक है, आप सभी के लिए। तो आप देख रहे हो कि ये रूट नोटिफिकेशन ब्लिंक जो रहता है वो फिक्स हो चुका है कम्प्लीटली। बस तो ये हमारा
मैं से बहुत टाइम से इस पर काम कर रहा था फ्रॉम डे वन से, तब जाके मैं इसको कहीं फिक्स कर पाया हूँ। तो आपको इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक भी और शेयर भी और कमेंट भी करना है, और मुझे बताना है कि आपको ये कितना पसंद आया और इसने आपका जो प्रॉब्लम रहता है उसने सॉल्व किया कि नहीं किया। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट डाउन करो और बताओ कि नहीं हुआ, और पूरा वीडियो देख लेना तब ये सब करना है, ठीक है। और लाइट ओएस भी आने वाला है तो उसकी भी मैं बता दूंगा जैसे ही वो रेडी होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कस्टम रोम नहीं आ रही है, कोई ओएस नहीं आ रहा, कोई कस्टम चीज़ें नहीं आ रही, सारी चीज़ें आएंगी। बस आपको ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते रहना और सब जगह फैला देना, ठीक है। तो आपसे मिलते बाद में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।